हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेस कितनी अनोखी चीज़ है। स्पेस की जर्नी से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं स्पेस जर्नी की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, नासा, इसरो, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज का दावा है कि वो आने वाले 10-20 सालों में स्पेस में भी मार्स प्लैनेट पे अपनी अर्थ जैसी कम्युनिटी बसाने वाले हैं, यानी 1 मिलियन लोगों को वो मार्स पे भेजने वाले हैं। हाँ, हमारे जैसे धरती के लोग, इंसान। और उनका स्पेस एक्स का भी ये दावा है कि 2075 तक पहला मार्शियन बेबी पैदा होगा, यानी पहला इंसान जो मार्स पे जन्म लेगा। पहला इंसान, सोचिए, मार्स पे जन्म लेगा। कितनी अच्छी बात है, हम कितने टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मार्स पे ही क्यों, मरकरी, वीनस पे और प्लैनेट्स पे क्यों नहीं? क्योंकि भाई मार्स पे कुछ सालों पहले ऑक्सीजन भी पाई गई थी, वहाँ पे वाटर भी पाया गया था, तो शायद मार्स पे लाइफ पॉसिबल हो, हमारे साइंटिस्ट ऐसा कह सकते हैं। मरकरी पे इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, वो सूरज के बिल्कुल पास है, वो सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। वीनस फर्स्ट हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। जुपिटर, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि वो पूरा प्लैनेट गैस से बना है, इसलिए अगर वहाँ पे कोई पैर रखेगा तो वो बहुत नीचे जाके धंस जाएगा, क्योंकि वो पूरा प्लेनेट गैस से बना है और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। वहाँ पे हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे तूफान आते रहते हैं। सैटर्न पे इसलिए पॉसिबल नहीं है, ना वहाँ पे ऑक्सीजन है, ना वहाँ पे वाटर है, और उसके चारों तरफ जो रिंग है, वो एस्ट्रॉयड्स और मीटियोराइट से बनी हुई है। अगर हम वहाँ पर रहने जाएंगे तो वो एस्ट्रॉयड और मीटियोराइट हमारी कम्युनिटी पर कभी भी गिर सकता है और हम मर सकते हैं। यूरेनस और नेपच्यून पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे सूरज की, सन की धूप नहीं पहुँच सकती है, तभी वो प्लैनेट दोनों ब्लू हैं और वो दोनों बर्फ से बने हुए हैं। पूरे प्लैनेट बर्फ से बने हुए हैं, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती धूप की, वहाँ पे सन की रोशनी यानी धूप नहीं पहुँचती, इसलिए वो दोनों प्लैनेट ब्लू हैं और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे नेपच्यून और यूरेनस पे डायमंड्स की बारिश होती है, और अगर हम यूरेनस और नेपच्यून पे जा सकते हैं तो हम एक आदमी को भेज देते, सारे डायमंड्स को लेके आ जाता। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अ फार्ट। गाइस, ये तो हो गई मार्स कम्युनिटी की बात। अब बात कर लेते हैं हमारी अर्थ 100 साल बाद कैसी होने वाली है। तो हमारी अर्थ 100 साल बाद पूरे मेटेलिक शेप की होने वाली है। लैंड मेटेलिक होगा, पानी मेटेलिक होगा, वाटर बॉडीज़ मेटेलिक होंगी, पूरी अर्थ मेटेलिक हो जाएगी, क्योंकि तब हमारी पूरी अर्थ पे रोबोट्स का राज होगा। रोबोट्स का राज मतलब ऐसा नहीं कि रोबोट्स राज करेंगे, इंसानों पे अपना हुक्म चलाएंगे, ऐसा नहीं। रोबोट्स उस समय हमारी अर्थ पे बहुत सारे काम कर रहे होंगे, बहुत सारी जॉब्स ढूंढ रहे होंगे, इंसान बिल्कुल आलसी हो जाएगा, रोबोट से काम करवाएगा अपना सारा, रोबोट्स जॉब ढूंढेंगे इंसानों की जगह, रोबोट्स पढ़ाएंगे टीचर्स की जगह। अगर किसी दिन टीचर नहीं आए तो आपको रोबोट पढ़ाने आएंगे, और ये नहीं कि रोबोट है तो इसको तो कुछ भी कर सकते हैं, इसको चलो मारते हैं, वो रोबोट भी आपसे वैसा ही बदला लेगा। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारी अर्थ में, और इंटरनेट तो भाई बाबा आदम के ज़माने का हो जाएगा, तब आ जाएगा मेटावर्स। मेटावर्स इंटरनेट से भी फास्ट होगा भाई, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, वो ऐसे हवा में स्क्रॉल करते हैं और उस बड़ी सी स्क्रीन खुल जाती है, वैसा ही होगा बिल्कुल मेटावर्स। गाइस, अब बात कर लेते हैं अर्थ जैसे एक प्लेनेट की जो 1400 लाइट ईयर दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। अर्थ जैसा ही प्लेनेट है तो कम्युनिटी भाई मार्स पे क्यों बस रही है, उस पे क्यों नहीं बस रही? और वो अर्थ से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर के चांस जैसे अर्थ पे हैं वैसे ही वहाँ पे हैं। और हो सकता है वहाँ पे जो इंसान रहते हों, या शायद ना भी रहते हों, अगर वहाँ पे कोई इंसान रहता हो
तो शायद वो हमें ढूंढ रहा हो या फिर हम उसे ढूंढ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पर इतनी दूर कौन जाएगा, 1400 लाइट ईयर दूर है वो प्लैनेट, लेकिन सेम अर्थ जैसा ही है, तो हम वहाँ पे भी कम्युनिटी बसा सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही दूर है हमारे सोलर सिस्टम के। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो मार्स पे बसा लेते हैं कम्युनिटी। सो गाइस बढ़ते हैं अब 2 से 3 हज़ार साल आगे। 2 से 3 हज़ार साल आगे इंसान इतनी प्रोग्रेस कर लेगा, इतने खतरनाक परमाणु हथियार बना लेगा जो हमारे खुद के प्लैनेट अर्थ को तबाह करने के लिए काफ़ी होंगे। पर डरिए मत, ये इंसान अपने प्लैनेट पे नहीं छोड़ने वाला। और 200 से 300 साल बाद वर्ल्ड वार 4 के भी चांसेस हैं। वर्ल्ड वार 4 के बाद शायद वो जितने भी हमने परमाणु हथियार बनाए थे वो हमारी अर्थ पे ही गिर सकते हैं। सो बी केयरफुल। सो गाइस अब सीधा चलते हैं टाइम में 6 अरब साल बाद। सो गाइस 6 अरब साल बाद क्या होगा, 6 अरब साल बाद हमारा सूरज, जी हाँ हमारा सन जो है वो रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा। वो मर्क्यूरी को खा चुका होगा, वीनस को खा चुका होगा, अपने अंदर समा चुका होगा। बारी है अब हमारी अर्थ की, अब हम क्या करें। ऐसा कोई बचने का वैसे मेरे ख्याल से कोई चांस होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही रेड जायंट सूरज हमारी अर्थ को निगलेगा वो ब्लास्ट हो जाएगा और पूरे यूनिवर्स का अंत हो जाएगा। साइंटिस्ट का ये मानना है, पर कुछ लोग इसको अफवाह मानते हैं कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई 6 अरब साल बाद कौन जाके देखेगा फ्यूचर में कि ऐसा होगा या नहीं, और हम वैसे जा भी नहीं सकते। उसके बाद होगी असली शुरुआत। 6 अरब साल बीत चुके हैं, 7 अरब साल बीत चुके हैं और रेड जायंट सूरज फट चुका है। उसके बाद 15 से 20 करोड़ साल बाद हमारे यूनिवर्स की वापस शुरुआत होगी, जैसे हाइपरनोवा ब्लास्ट से हुई थी। जैसे ही हमारा रेड जायंट सूरज फटेगा उसके 15 या 20 करोड़ साल बाद हमारे यूनिवर्स की वापस शुरुआत होगी। वापस वही प्रोसेस घटेंगे, वापस अर्थ बनेगी, वापस मार्स बनेगी, वापस 6 अरब साल बाद वापस एक एक्सप्लोजन होगा। ये घड़ी चलती रहेगी। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिलहाल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।